हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो भाई आज हम चेक करने वाले हैं 900 ml का है पेट्रोल, और देखेंगे इस वीडियो में कि इतनी कड़ी धूप में 12:48 हो रहा है यहाँ पे, और 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अभी दिखा रहा है। तो ये 1.5 से 2 घंटे में ये कितना ये पेट्रोल उड़ेगा, जिसको वेपराइजेशन कहते हैं। क्योंकि काफी लोग क्या होता है कि जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो ये थोड़ा सा खोलेंगे या फिर किसी का खुल जाता है तो कहते बंद करो बंद करो बंद करो, वो वाले सिस्टम हो जाता है। तो आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे। हालांकि ये तो ओपन एरिया में होने वाला है, तो भी पता चलेगा कि आप अगर कड़ी धूप में रखते हो, जब गर्मियों का महीना फुल हो जाता है जहां पे 38 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, तो उसमें क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइमिंग 12:47, अपनी घड़ी का दिखाओ, घड़ी का आप सामने कर दो थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हो 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिखा रहा है, हो गया ना। वहां से आप देख सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिखा रहा है मोबाइल में अभी इस लोकेशन पे। तो इसको हम लोग 1.5 घंटा तक इसको रखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये कितना। अभी 900 ml यहाँ पे दिखा दो, मैं तो ये भी कंफ्यूजन मुझे। ये देखो 900 ml प्लस है थोड़ा सा, तो ये भी है। अब देखेंगे कितना ये उड़ता है, हम लोग इसको 1.5 घंटा इसी कड़ी धूप में रखने वाले हैं। तो चलते हैं, रख देते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने रख दिया है, अब इसको पूरा फुल देखेंगे। अभी देखो 900 ml दिखा रहा है यहाँ पे, अब इसको फुल ये कड़ी धूप में देखो। अभी धूप ऊपर ऊपर है तो देख सकते हो काफी ज्यादा धूप है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं इसमें कितना इसका पेट्रोल उड़ता है। और इससे रिलेटेड अगर आप लोग को जानकारी चाहिए कि कौन सा पेट्रोल कितना माइलेज देती है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, एचपी हो गया, इन सारी वीडियो का कंपेरिजन हुआ है, और एक्स्ट्रा माइलेज बेहतर है या नॉर्मल पेट्रोल बेहतर है, उन सबका वीडियो का मैंने बता दिया है वीडियो, तो आप वहां से जा देख सकते हैं। तो इसको अब छोड़ते हैं 1.5 घंटे के लिए, बीच में एक बार और दिखाएंगे कितना उड़ा। तो भाई अभी देख सकते हो ये अपना 45 मिनट हो चुका है, एक बार वॉच अपनी दिखाओ। आई थिंक ये मेरे वाला डिजिटल है तो ये इसको टच करना पड़ेगा। 1:35 प्लस हो रहा है, मतलब 40 रख सकते हो। और हम लोग 12:45 या 48 पे चालू किए थे, अब देखते हैं हम लोग 910 ml आई थिंक था कंप्लीट, आप लोगों को वीडियो में तो दिख ही रहा हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 800 ml पहुंच चुका है, तो मतलब 110 ml 45 से 50 मिनट के अंदर ये उड़ चुका है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये देखो 800 ml पे पेट्रोल है। तो भाई अभी ये काफी ज्यादा धूप है, और अभी हम लोग इसको 45 मिनट और रखेंगे। 1.5 घंटे में भाई कितना पेट्रोल उड़ती है, यह चीजें आप लोग को यहाँ से पता चलेगा। तो भाई अभी देख सकते हो ये, अब हम लोग 1 घंटा और रख दिए हैं। आप एक बार घड़ी दिखा दो, 1:35 पे हम लोग आए थे, तब 45 मिनट केवल देखे थे, तो करीब खत्म हुआ था 110 ml। अभी ये बज रहा है 2:35, और हमारी घड़ी में एक बार दिखाते हैं, ये देखो 2:35 इसमें आई थिंक हो रहा, एक मिनट इसमें भी हो रहा। और यहाँ पे देखो भाई ये अभी 700 ml से प्लस है। तो अब इस पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब स्टार्टिंग में हम लोग रखे थे 45 मिनट ही रखे थे, तो आपको ख़त्म हुआ था करीब 110 ml, और उसके बाद अब 1 घंटा रख दिए तो ये ख़त्म हुआ केवल करीब 80 ml तक। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई जब आपकी गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल होगा, ज़्यादा पेट्रोल जब होगा आपकी गाड़ी में, या फिर चाहे ये धूप में रखते हो या फिर ऐसे ओपन करके रखते हो, तो गाड़ी में जो पेट्रोल होता है ज़्यादा उड़ता है। जब थोड़ा सा कम होता है तो धूप में रहे, उस वेपराइजेशन भी होता है तो उसका भी एक अलग इफेक्ट पड़ता है। और हालांकि हम लोग एक्सपेरिमेंट ये जो कर रहे हैं ये तो ओपन में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, लेकिन इफेक्ट तो पड़ता है चाहे आप गाड़ी का टैंक में आपको फुली। अभी ये 27 डिग्री सेल्सियस धूप था तो ये सिचुएशन है। अगर आप 38 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस में गाड़ी को ऐसे ओपन रखोगे, धूप में रखोगे, तो भाई पेट्रोल उड़ेगा, लेकिन जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा उतना ज़्यादा उड़ेगा। जैसे कि आप फुल टैंक भरा के रखोगे तो पेट्रोल उड़ने की ज़्यादा संभावना होती है, आप प्रैक्टिकली इस वीडियो में देख लिए। तो भाई ये था आज के लिए ये वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह कंटेंट देखने के लिए।